अनुषा की व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा सबके लिए, लेकिन अब हो चुकी है रात और आज है अल्लाह की हुकुम से हमें नसीब हुए इस साल के रमजान। तो आज है फर्स्ट सहरी जिसकी हम बनाने लगे हैं व्लॉग। तो गाइस मेरी प्रैंक वाली व्लॉग में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट करके कहा है कि अफ्तार और सहरी की व्लॉग बनाना, तो मैं लगी हूँ बनाने। सो गाइस अब मुझे सहरी की प्रिपरेशंस के लिए चाहिए एक हेल्पर, और हेल्पर पे तौर पे हम करेंगे इशी। समझ रहे हो? सो अब हम चलते हैं इशी के पास और उसको बोलते हैं हमारी हेल्प कर दे सहरी बनाने में। हेल्प कर दे सहरी बनाने में, कुछ लोगों को ऊंचा सुनने की बीमारी होती है तो इसलिए मैं थोड़ा ज़ोर से चीख चीख के बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ऐसा लगता है कि सोचते होंगे कि मैं बहुत स्लो बोलती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, मैं स्लो नहीं मैं बोलती हूँ, मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ। चले अब चलते हैं इशी के पास। इशी रुको जरा, सबर करो, थोड़ी सी हेल्प कर देना प्लीज। रमजान की आज फर्स्ट सहरी है तो उसकी प्रिपरेशंस के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी। नो यार ये क्या बदतमीजी है, क्या जहालत है, बड़ी बहनों की मदद नहीं करती है छोटी बहनें? नहीं मतलब बड़ी बहनों की कोई इज्जत नहीं है। बड़ी बहनें क्यों होती है? बड़ी बहनें होती है छोटी बहनों का जीना हराम। सॉरी मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है यार। तुम्हारी उर्दू नहीं, तुम पूरी की पूरी माशाल्लाह बहुत कमजोर हो। कमजोर यार सीरियस ईशा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, करवा दूंगी। चले ठीक है गाइस, तो अब हम लोग प्रिपरेशंस करते हैं और हम आपको दिखाते हैं फिर। सो गाइस प्रिपरेशन तो अब स्टार्ट करनी है, तो मैंने बांध लिए हमने बाल, क्योंकि किचन में काम करने से पहले बाल जरूर बांध लेने चाहिए। और अब मैं आटा वगैरह गूंथूंगी। मुझे हो गया ज़ुकाम एकदम ना, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है, उसकी वजह से एकदम मुझे छींके वगैरह आ रही हैं, वो मेरा फेस देख के आपको लग ही रहा होगा। बहुत हंसी आ रही है आपको? बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। सो गाइज चलें फिर, अब ईशा को जो हमारी हेल्प करेगी उसका सिर्फ इतना काम है कि वो कैमरा पकड़ेगी, मोबाइल पकड़ेगी, और बाकी काम मैं खुद करूँगी, तो दिखाती हूँ आप। तो गाइस हमने तसला ले लिया है जिसमें हम अभी आटा गूंथ, तो अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं पराठों के लिए, आटा गूंथने के लिए। क्या चाहिए? आटा चाहिए। इसने ना बहुत तंग करके रखा है मुझे, इसको आटा चाहिए तो वो भी घड़ी बना। अच्छा मुकम्मल, लेकिन गैस वालों ने खोल दिया गैस, तो अब हम फैनिया बनाने रख रहे हैं। फैनिया भैरी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग पराठे बनाएंगे एक तरफ, और एक तरफ हम फैनिया बनाएंगे, उसके लिए दूध बॉईल करेंगे। अच्छा गाइस जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि गैस आ चुकी है, और अभी हम लोगों ने दूध बॉईल होने रखा है, और पराठों के लिए हम लोगों ने रख दिया है गर्म होने के लिए। बाकी साथ साथ में हमने अपने पेड़े वेड़े सब रेडी कर लिए हैं, तो सिर्फ अब हमें पराठे बनाने हैं। उसके बाद हम कितना कोई बुरा लगता है ना जब छींक रुक जाती है तो। सो गाइस अभी आप हो यहाँ पर पराठे बनाना शुरू हो गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी जो है ना ये वो क्या कहते हैं पेड़े हैं ये आटे के, और ये भी आपको पराठा बना रही है। तो आप जरा हमें भी बता दो कैसे बनता है, मुझे तो आता है बनाना, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा बनाती है पराठा रोटी और पागल कुछ भी नहीं। वैसे सीरियस में कुकिंग अच्छी करती हूँ या नहीं करती? आज भी मैंने तेरे पास्ता बनाया था बहुत ही जल्दी। सो गाइस फाइनली मामा इज ऑन किचन, और ये डाल रही है फैनियाँ, तो अब हमारी फैनियाँ भी रेडी हो रही हैं क्योंकि मामा ये डालने आएंगे। मैंने इनको कहा कि ये आप डाल दें, मैं डाल दूंगी, तो आप हमेशा कहती हैं
दूध कम हो गया है, एक्टिंग कर रहा है, फैलियां ज्यादा हो गई है। नहीं बोलती आप मुझे ऐसा? जी बोलती हूँ। देखा 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 नहीं बोलती हूँ मैं, बहुत ज्यादा सच्ची हूँ, सच्ची नंबर वन बोले आप। बाकी मैं ऐसी करती हूँ। कैसे करती हूँ? फैनी बहुत कम डालती हूँ। वो कम नहीं होती है, वो सही होती है, वो मतलब हमारे हिसाब से हमें सही लगती है। लेकिन मामा कहती है फैनी कम हो और दूध थोड़ा ज्यादा हो, जैसे सिवैया टाइप। तो मुझे ऐसा नहीं, मुझे थोड़ा ना ऐसे ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा वाला पसंद है। हूँ क्या मतलब मामा, खाने की चीज है यार। नहीं यार मैं, मुझे ऐसी पसंद नहीं है। सो गाइस हमारे पराठे हो गए और हमारी फैनियाँ भी हो गई हैं रेडी। अभी एग्स हैं तो अब हम ये बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग सैरी करेंगे। सो गाइस हमारे एग हो चुके हैं और ये दाल है तो ये मैं गरम कर रही हूँ, ये भी हम सैरी के लिए लेंगे। ऑलमोस्ट हमारे सारी सैरी हो चुके हैं रेडी, जिसका मैं अब आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। उसके बाद फिर हम सैरी शुरू करेंगे, क्योंकि सैरी का टाइम ख़त्म होने में सिर्फ 45 मिनट्स बाकी हैं। तो जल्दी जल्दी फिर हम सैरी करते हैं, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी अभी। सो गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें हमारी हो गई है सैरी बिल्कुल कंप्लीट और मैंने कर ली है, आई विल डन सैरी। और ये सब अब हम लोग लगाते हैं दस्तरखान और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और मैं बना बना के मेरी कमर दर्द हो गई है, लेकिन कोई ना, इसमें भी अपना ही मज़ा है। चले अब हम चलते हैं और सैरी करते हैं, इससे पहले टाइम ख़त्म हो जाए सैरी करने का। चलो इसी उठाओ सब और यंगड़ाइयाँ लेना तुम बंद करो और उठाओ जल्दी जल्दी। चलो हमारी ईशा भी अब हो गई है थोड़ी सी नमाज़े टाइप। वाओ ऐसे मुंह बनाया इसने। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह और ये गाना गाएंगे। नो 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 क्या हुआ, क्यों हंस रही हो, क्यों हंस रही हो? हमारी ईशा रोजा रखेगी बहनों और भाइयों, नमाजे पढ़ेगी रोजा रखेगी है, इसकी रोजा खुजाई कर देंगे हम कल। है मेरे पास पहले ही हो गई। क्या हुई है? मजाक कर रही हूँ, इसने बहुत पहले ही पहला रोजा रख लिया था, मतलब उसकी रोजा खुशाई हो चुकी है कब की। सो गाइस हम लोगों ने सैरी कर ली है, अब हम अजान होने का वेट कर रहे हैं और जैसी अजान होती है फिर हम लोग नियत वगैरह करके नमाज वगैरह पढ़ के फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइस नमाज पढ़ के और रोजा रख के हम लोग हो गए फ्री और उम्मीद करती हूँ आज की व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। सब लोग आज का महीना, आज के जो दिन है और ये जो महीना चल रहा है ये बहुत नेमतों वाला और बरकतों वाला है। उम्मीद करती हूँ कि सबके लिए बहुत 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 अच्छा जाएगा। सबके लिए मैं दुआएं करूँगी, सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको 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 इस रोज़े में अपनी नेमत और बरकतों से नवाजे। आमीन सुबामीन, मुझे भी नवाजे। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी जाए मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की व्लॉग आप लोगों को कैसी लगी। ये व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ और कल मैं अफ्तार व्लॉग भी बनाऊँगी। अच्छा तो फिर वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी बनाकर। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रमशा का बाय।